तो भाई फिलहाल अभी मैं हॉस्पिटल आया था और यहाँ जांच वाँच हो गया। अभी जो हम लोग सोच रहे थे वो नहीं हुआ, क्योंकि सारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि पेट में दर्द होने का मतलब कुछ और था। तो अभी जा रहा हूँ दूसरे हॉस्पिटल, यहाँ से अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में बोला कि आपको हॉस्पिटल दिखाना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग भाई सुबह से उठ गए और देख सकते हो बिस्तर से जा रहा है मढ़िया को। तो अभी फिलहाल हम लोग सुबह सुबह सोच रहे थे कि अभी बांस लिया था कहीं और, तो वो बांस काटने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि भाई अभी देख सकते हो चाकू वाकू में धार वाला लग गया है। तो यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर दूर है किसी, मतलब यहाँ से एक मठिया बोलते हैं, उसी मठिया में मतलब बांस लिया हूँ, जो हमारे यहाँ मतलब बांस का थान नहीं है कहीं दूर दूर तक। जो भी हैं पतले हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़े मोटे मोटे थे, तो वहाँ गया था, कल रेड करके आया था, तो तय हो गया था बांस। और 150 रुपया बांस है, और भाई बहुत महंगा पड़ रहा, पहले 200 बोला था, अभी 150 बोला है। तो फिलहाल चलते हैं, क्योंकि बकरियों को रहने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है। इधर बांधता हूँ तो रात को इधर रहती हैं, खुल जाती हैं डोरी जो बांध के रखता हूँ गले में, और ये चीज़ बना दूंगा, इस पर बना दूंगा और चारों तरफ से मतलब फरका बना दूंगा, तो निकल नहीं पाएंगे, तो उसी में आराम से खाएंगे, उसी में रहेंगे। तो फटाफट चलते हैं हम, प्रिंस और रेडी हैं, बस अभी भी बिस्तरा अंदर करा रहे हैं, बिस्तरा अंदर करके फिर उसी वक्त भाई चलेंगे, क्योंकि भाई वहाँ टाइम लगेगा, कोई पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमको और प्रिंस को काटना है, तो हो सकता है 3-4 घंटा 5 घंटा लग जाए। तो चलते हैं फटाफट भाई, लेके आते हैं बांस काट के। अभी देख सकते हो भाई रस्सी में बांधने का नतीजा ये होता, दोनों फंसा के रखे गले में, ये देखो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरह रोज़ फंस जाते रात को, और बार बार छुड़ाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होता है। छुट गए, चलो भाई प्रिंस गाड़ी स्टार्ट करो, चलते हैं हम लोग फटाफट। भाई सुबह सुबह कहीं भी काम पे जाना होता है, तो खुद के काम पे या बाहरी काम पे, तो काफ़ी दिक्कत होता है। चलो भाई, सुबह सुबह ठंड भी लग रहा है अभी, हल्का हल्का महसूस हो रहा है भाई, लेकिन इस बार ठंड नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत कम ठंड पड़ा है, और सुबह में ऐसा लगता है कि भाई अभी पूरा ठंड का मौसम है, तो देख सकते हो भाई। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच गया मेन मौके पर, जहां पर मुझे बांस काटना है। तो अभी देख सकते हो पीछे कितना जंगल जंगल दिख रहा है, और यहाँ पर भाई बहुत सारे जानवर भी हैं, बंदर हैं, और चीता भी कभी कभी मिल जाते हैं इसमें, और बाघ भी हैं, और बहुत सारी लोमड़ी हैं, मतलब ख़तरनाक सांप बिच्छू सब कुछ है इसमें। और भाई यहाँ पर डर भी लगता है, रात के समय में नहीं आ सकते, और अकेले जंगल के अंदर हम एंट्री भी नहीं कर सकते, कि कितना भयंकर जंगल है आगे, बहुत गजीने जंगल है। और अभी आपको मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीछे मोर बहुत सारे अभी नाच रहे हैं, बहुत डांस कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमें बांस काटना है, इस कोठी में आपको दिखाता हूँ भाई कितने मोटे मोटे हैं, और बहुत महंगा मिला है भाई, एक बांस 150-200 रुपये का दिया है। अभी देख सकते हो ये बांसे हैं सारे, और इन्हीं को काटना है, मोटे मोटे बांस, और ये हमको ज़रूर लगेगा, क्योंकि पतले बांस से काम नहीं होगा, पतले बांस तो हमारे तरफ भी थे, लेकिन अच्छे बांस इधर ही मिलते थे। कहीं आज एक महीना से लगभग मैं ठहर रहा हूँ बांस के लिए, तो बांस मिल नहीं रहा था, फाइनली अभी मिला है, तो बहुत महंगा मिला है, लेकिन क्या करें, लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि घर वैसे मेरा है और उसके अंदर जो है। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों, काटता हूँ जो भी मिला है। और अभी दो आदमी आ रहे हैं, मेरा लड़का आ रहा है, और एक उनका रिश्ता, उनका मौसिया लगते हैं, वो आ रहे हैं। तो फाइनली अभी हम लोग काटते हैं फटाफट। Thank you.
दोस्तों देख सकते हो अभी फाइनली बांस में। माना तो सिंगड़ा नहीं छिल रहा है। कल रात को काफ़ी रात हो गया था, बांस काटने गया था तो रात भर आया था 11 बजे रात को, क्योंकि वो लद गया था। लदने के बाद क्या हुआ कि रास्ता में फंस गया था किसी के घर पे, और उसका घर जो मढ़ा था थोड़ा सा ख़राब गया था और नाली में चक्कर टूट गिर गया था, तो काफ़ी दिक्कत हुआ। तो रात हो गया था बांस लाने में, तो भाई रात के समय में वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम था, इसलिए दोबारा फिर लाद के उतार के ट्राली से फिर दोबारा लादना पड़ा, तब हम रात को बांस वांस लेके आए। अभी देख सकते हो ये सारा भी मतलब गाड़ने के लिए पड़ा है, और प्रिंस सुबह में प्रिंस इसको गाड़ रहा था गड्ढा खोद के, और हम भी लगे थे। तो अभी फ़िलहाल इधर इतना बांस ये है और इतना बांस इधर है भाई, अभी देख सकते हो। तो अभी फाइनल अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि भाई तबीयत ख़राब है मैडम जी का, तो सुबह सुबह उठा था तभी से मतलब जाना था, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो गांव देहात में होता जो हॉस्पिटल बड़े होते हैं वो लगभग 10 बजे खुलते हैं, तो अभी 11 बज गया। तो फिलहाल चलते हैं मार्केट फटाफट। और पुंटी भाई बैठे हैं आके, लोग ये भी बीमार, गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी वाड़ी धुलाई किया था आज, गाड़ी चमक गई है। 2 घंटा लगा गाड़ी साफ करने में, क्योंकि परसों नरसों पूरा मिट्टी मिट्टी हो गई थी गाड़ी में। क्या चाहिए फिर तुमसे बेटा? मोबाइल चाहिए? मोबाइल चाहिए तुमसे? सही से रहे आए, देखे आए करो जाए ना बेटा। तो भाई फिलहाल अभी मैं हॉस्पिटल आया था और यहाँ जाँच वाँच हो गया, अभी जो हम लोग सोच रहे थे वो नहीं हुआ, क्योंकि सारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि पेट में दर्द होने का मतलब कुछ और था। तो अभी जा रहा हूँ दूसरे हॉस्पिटल, यहाँ से अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में बोला कि आपको हॉस्पिटल दिखाना ज़रूरी है, तभी अब रिपोर्ट आउट मिल गया भाई। तो चलते हैं अभी फटाफट हॉस्पिटल, यहाँ पर नर्स होगी तो उनको जरा बहुत ज़रूरी है दिखाना, क्योंकि आज ही कल रिपोर्ट कल ही कराने के लिए बोले थे, तो अभी फ़िलहाल कल लेट हो गया था और कल बंद हो गया था, तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। पेट का जो जांच करती हैं देखती हैं, तो अभी देखता हूँ कितना टाइम लगेगा यहाँ भी। तो भाई लोग अभी मैं घर पे आ गया, इलाज इलाज हो गया और आज काफ़ी पैसा लग गया भाई हॉस्पिटल में। तो अभी फ़िलहाल ये जो सारा सामान पड़ा हुआ है अभी चलता हूँ इसको काम वाम करूँगा, और दोस्तों इसको सारा अकेला मैं ही करना है, क्योंकि भाई इसमें एक एक बांस बचा बचा के काटना है एक एक साइज़ का, और बराबर से चीरना है, तो हमें मालूम है कि किस तरह इसको बनाना है, इसीलिए हमें ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट बार होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।